दीपावली का दिन था। उस दिन योग डिटेक्टिव बीरबल के ऑफिस आता है और मोबाइल पर अपने घर वालों से बात करते हुए कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता। ऐसा कहकर वह कॉल काट देता है। डिटेक्टिव बीरबल पूछते हैं, क्या हुआ? मैं अपने घर वालों से बात कर रहा था, वे कह रहे थे त्योहार है, साथ मिलकर मनाएंगे। लेकिन बीरबल सर, मुझे करियर के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने आने से मना कर दिया। चलो आज मैं तुमसे दीपावली से संबंधित सवाल पूछता हूँ। किसी शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। दीपावली का त्योहार आने वाला था। घर के दरवाजे के पास एक पुरानी टूटी हुई टेबल रखी हुई होती है, जिसका कोई काम नहीं था और दिखने में भी बेकार लगती थी। टूटी हुई टेबल को तन्मय एक कबाड़ी वाले को कुछ पैसे में बेच देता है। कुछ दिनों के बाद तन्मय को उस दरवाजे से आते जाते वक्त कभी हेलमेट नहीं मिलता तो कभी चाबी नहीं मिलती, क्योंकि वे सभी चीजें वह उस टूटी हुई टेबल पर रख देता था और उसे ये सब चीजें आसानी से मिल जाती थी। कोई चीज समय पर ना मिलने पर तन्मय को उस टेबल की कमी खलने लगी थी। कुछ दिनों के बाद वह परेशान हो गया और एक दिन वह बाजार जाकर एक नई टेबल खरीद लेता है, जिसमें उसे थोड़े और पैसे लगाने पड़ जाते हैं। तो बता सकते हो योग, तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? योग कहता है, उस नई टेबल से भी वही काम होता है जो पुरानी टूटी टेबल से होता था। इसमें तन्मय के और ज्यादा पैसे लग गए, जिससे उसे घाटा हो गया। डिटेक्टिव बीरबल कहते हैं, जब तक वह टूटी टेबल घर पर रखी थी, तब तक तन्मय को उसकी अहमियत समझ नहीं आई और उसे घाटा लग गया। इसी तरह हमारे घर वाले हमारे साथ रहते हैं, तब तक हमें उनकी अहमियत समझ नहीं आती, उनकी कदर नहीं करते और उनके साथ हम खुशहाल जीवन व्यतीत नहीं करते। इंसान की कीमत उसके जाने के बाद समझ आती है। तन्मय तो बाजार से नई टेबल खरीद कर ले आता है, लेकिन किसी इंसान के जाने के बाद उसकी कमी हमेशा खलती रहती है। इसलिए हमें अपने परिवार वालों की अहमियत समझनी चाहिए और कोई भी त्योहार उन्हीं के साथ ही मनाना चाहिए। योग को डिटेक्टिव बीरबल की बात अच्छे से समझ आ जाती है। मैं अपने घर जा रहा हूँ दीपावली का त्योहार अपने परिवार वालों के साथ मनाने के लिए। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। योग, तुम्हें भी दीपावली की शुभकामनाएं और आप सभी को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।